ओ आजा छोरे, अभी तो एक और आजा छोरे दोबारा ना, ओ आजा छोरे नाटो नाटो को मिला भाई। जो भी हो, फाइनली सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये तीनों आरआरआर काम तो कर पाएंगे। सच में भाई, इतना घूम रहे हैं तब से मैं इंतजार में हूँ कि भाई आरआरआर खत्म हो, कुछ नया शुरू हो, अब फाइनली कुछ काम वाम पकड़ेंगे अगला। कल से सोच सुबह 9 बजे उठना पड़ रहा है अब। हाँ, राजा बोली साहब को कि भाई आज कहाँ जाना है, आज किसे बताना है, आज किससे अपनी बातचीत करूँ, आज किसको फिल्म दिखाऊँ। कल सुबह से नॉर्मल जीवन भाई उनका, रामचरण उठ रहा है वो इडली सांभर खा के, अब क्या करूं बताओ। जूनियर एनटीआर को बोलने जा सर जिम जाओ, जम जाओ। वो कह रहा मैं नहीं, मैं क्यों अगली पिक्चर करनी है, नहीं नहीं मैं वही करवाऊं ना मेरा इंटरव्यू कहीं गोरो से कुछ तो करवाओ भाई। मतलब सच में थोड़ा सा आपको वियर्ड लग सकती है हमारी ओपिनियन, बट इतना अल्लाह हो रहा खाता इतने टाइम से इसका की पता था हमें कि ये जीत रही है, मिलना ही मिलना। हाँ, सब कुछ जीते जा रहे थे, जीते जा रहे थे, कुछ ऐसा फील नहीं हुआ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और लेकिन देश को मुबारकबाद कि जीते भाई, पहली बार के गरीबी के बिना हम लोग जीते हैं। गरीबी तो देखा जाए टेक्निकली इस फिल्म में भी है ही, पर भाई इस फिल्म में ना अंग्रेजों को पेला हमने, उसमें साले अंग्रेज आते थे हमारी गरीबी दिखाते थे, वापस चले आते थे और बोलते देखो ऑस्कर मिल गया तुम्हारे देश को। आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने जा रहे हैं वो दूसरी फिल्म है जिसकी कम बात हो रही है भाई साहब, एक डॉक्यूमेंट्री भी है हमारी, वो भी जीत गई है एलिफेंट विस्परर्स। इसको भी ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, जब नॉमिनेट हुई थी तब भी इतनी बात नहीं हुई थी, कब से नेटफ्लिक्स पे है लोगों ने नहीं देखी थी, सबको यही लग रहा था कि एक ऑस्कर आने वाला है आरआरआर वाला, लेकिन ये नहीं पता था लोगों को कि हम यहाँ भी नॉमिनेटेड है। ये नया इंडिया है, ये घर में घुस के 2 ऑस्कर लेके आता है। तो भाई 2 ऑस्कर आ गए, कोहली की सेंचुरी आ गई, बीजीटी देश में आ गई, यहीं रह गई। हम ये तो पहले आए थे ऑस्ट्रेलिया के, अब यहाँ से पूरी कोशिश की स्टीव स्मिथ ने, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कोहली की सेंचुरी जो रिलीफ दे देती है ना, वो है साथ में कबल्ला चलता रहना चाहिए। वो कोहली की सेंचुरी देख के डोपामाइन तो रिलीज होता है, बिल्कुल होता है, और एक टेंशन सी, मतलब पेट्रोल 150 का भी सस्ता लगने लगता है, बॉडी में ईज हो जाता है, पोल्यूशन कम लगने लगता है, सब अच्छा अच्छा लगने लगता है। अपना आश्रम वगैरह जाते हैं, धार्मिक काम करते हैं, फिर परफॉर्म भी कर देते हैं भाई अगले मैच में, अगले मैच में अब हमें पता चल गया है कि भाई कोहली अगर गए हैं किसी मंदिर तो उनकी सुनी जा रही है। और अब मैं तो केएल राहुल के लिए खुश हूँ, लास्ट मंदिर उसने वही विजिट किया जो कोहली ने किया, तब से खेला नहीं है, बस अब सीधा वनडे खेलेगा भी। बट यस, आज हम बात करने जा रहे हैं दूसरी फिल्म की दोस्तों, शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री, वो जो फिल्म जीत के आई है अपनी एलिफेंट विस्परर्स। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कार्तिकी ने, कार्तिकी गोंसाल्विस ने, और प्रोड्यूस किया है गुनीत मोंगा के सिक्या एंटरटेनमेंट ने। बहुत सिंपल सी फिल्म है दोस्तों, लेकिन इसके लिए अगर वन वर्ड फॉर द फिल्म इज इट्स हर्ट वार्मिंग। यस, मतलब ये आप डॉक्यूमेंट्री कहें हम इसे, फिल्म ना कहें तो जो भी कहें, फिल्म है तो सिनेमा ही, सिनेमा है किसी भी फॉर्म, लेकिन जो उसका जॉनर है वो डॉक्यूमेंट्री है। बिल्कुल, दिल को छू जाने वाली फिल्म है, फिल्म देखते थे हमारा हाथी पालने का मन कर गया सच्ची, मतलब यार इतने प्यारे होते हैं तो एक रख लेते हैं, एक होना चाहिए, या तो हम जंगल चले जाएं इनके साथ रहने के, या तो हम टार्जन बन जाए जाके। 4 मुख्य किरदार हैं इस पूरी फिल्म के अंदर, बमन और बेली वो दो लोग जो वन विभाग के लिए काम करते हैं, घायल हो चुके या फिर झुंड से अलग हो चुके हाथियों का ध्यान रखना, उन्हें बच्चे खासकर, हाँ बच्चों, छोटे बच्चे प्रिजर्व करना, उनकी उनको पालना, उनका ध्यान रखना, और ऐसे ही 2 बच्चे बड़े होते हुए दिखाए गए हैं, जिसमें से एक है रघु, एक है अमू, अमू एक मेल हाथी बच्चा, एक फीमेल हाथी बच्चा। रघु और अमू कैसे पास आते हैं बमन के और बेली के, और ओवर द इयर्स इनकी पूरी जर्नी दिखाई है कि कैसे छोटे छोटे से आए थे, फिर बड़े होते हैं, हील होते हैं, इन दोनों की केयर करते करते बमन और बेली इतने क्लोज आ जाते हैं कि वो शादी कर लेते हैं। किस तरीके से इंसान नेचर के पास रह सकता है, जा सकता है, वो बहुत ही प्यारे तरीके से दिखाया है। जंगल हमारे इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है फिल्म का, और साउथ इंडिया को लेके अलग एक पर्सपेक्टिव देती है। मतलब अगर हमें फिल्म देख के लग रहा है कि भाई वहाँ आदमी 3 फोल्ड में लुंगी बांध के, तो इसके अलावा भी जिंदगी है वहाँ पे, इतने शांत जंगल, अच्छी बातें भी वो हमें सिखाते हैं कि भाई हम जंगल से उतना ही लेते हैं जितने की हमें जरूरत है, खाने लायक ले लेते हैं, पीने लायक ले लेते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, और जानवर को अगर आप प्यार दोगे तो बदले में भी आप जानवर आपको प्यार ही देगा, ये उन्होंने ढेर सारी डॉक्यूमेंट्री से दिखाया है। बिल्कुल, इस प्यारे से रिश्ते को बहुत अच्छे से पिक्चराइज करके दिखाया गया है, छोटी सी फिल्म है, 40 मिनट की मात्र ये डॉक्यूमेंट्री है। हाँ। आप अपना समय जरूर दें इसको देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छी बात है कि आप लोग देखेंगे, हमने भी अभी देखी जो हमने इसके बारे में सुना है। हाँ। तो आप भी जरूर देखें। नाटू नाटू तो पूरी दिखाई दी गई थी, नाटू नाटू तो सब जबरदस्ती दिखाई थी, पूरे मतलब पकड़ पकड़ गया। हाँ। साले तो उसने ट्वीट किया है स्कॉर्सेसी ने, और तूने अभी तक देखी नहीं, स्कॉर्सेसी को चाटे, स्कॉर्सेसी नहीं जानता, देख जाके फिल्म देख पहले।
यहाँ पे स्कॉर्सेसी बहुत बड़े शेफ हैं इटली के, उनकी रिकमेंडेशन आ रही है। बनाते बनाते साले उन्होंने पिक्चर देख ली, पिक्चर देख तो इतनी जबरन तरीके से आरआरआर तो देखो हम सबको दिखाई दी गई है, बट ये फिल्म भी हमारी अटेंशन डिजर्व करती है, इसको आप जरूर जरूर देखें। बहुत ही प्यारी फिल्म है यार, मतलब आपको हाथी पालने का मन ना कर जाए आपका। हमारा नाम बदल रहे हैं, बिल्कुल हमारा नाम रघु और अमू रख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्यार प्यार से हम रखवा लेंगे। बहुत है, इतना प्यारा जानवर हाथी, मतलब एक तो हाँ, और मतलब वो एक तो छोटे छोटे बच्चे दिखाए उन्होंने हाथी के, कितना प्यारा रिश्ता दिखाया उन्होंने सच्ची उस दंपति ने हाथियों को पाला। बहुत एक्सटेंसिवली शूट किया है, उनको बड़े होते हुए दिखाया गया, उनकी जर्नी ओवर द इयर्स की है। हाँ, देखने से पता चलता है कि अच्छा खासा टाइम के पीरियड के दौरान इसको पूरे को शूट किया गया है। और भाई जानवर अगर आप पालें किसी के साथ देखें, ये एक फायदा होता है, ये मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि बेली और बमन साथ में हाथी पालते हैं, कहाँ एंड अप करते हैं, शादी हो जाती है दोनों की। तो अगर आपका वैवाहिक जीवन शुरू नहीं हो पा रहा है तो ये एक चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, साथ में आप जानवर पाल के देखें अपनी महिला मित्र के साथ, अपने पुरुष मित्र के साथ, करीबी आपकी ना बढ़ जाए। सब कुछ इतना प्यारा है यार, मतलब मतलब गांव के 20 लोग और उनके बीच में उनकी फूल माला अलग ही सुंदर अलग सुंदर। और मतलब ये भी दिखाया कि हमारे कल्चर में हम जानवर, नेचर और इंसान कितने अच्छे तरीके से क्लोजली रहते थे या अभी भी कहीं रहते हैं या रह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती से दिखाया, क्योंकि जानवर हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं भगवान है। बिल्कुल है भाई, हम लोग मानते आए हैं, पूछते हैं भगवान है या भगवान की सवारी है, हर जगह प्रेजेंट है वो। और ये आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे और महसूस करेंगे। बिल्कुल जरूर देखें, हम इसे स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। आप नेटफ्लिक्स पर है, 40 मिनट की है। तो आईडी पासवर्ड और दे दे, मेरे पास है ही नहीं भाई, मैं तो खिड़की से देखता हूँ, पड़ोसी जब देखता है। बट जरूर देखें, हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे इसे। और पॉडकास्ट के भी नए एपिसोड्स आ रहे हैं भाई, बड़े-बड़े मजेदार टॉपिक पे। बिल्कुल, सब जो तुम लेटर्स लिख रहे हो वो सब पढ़े जा रहे हैं, और सारे कमेंट जो तुम ध्यान के लिए कर रहे हो सब पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और जिसने अभी तक नहीं देखा, जिसको नहीं पता है, जो ये वीडियो देखने आ रहा है, तो एक नई सीरीज भी हमारी द ग्रेट इंडियन पॉडकास्ट की शुरू हो चुकी है, 2 एपिसोड्स आ चुके हैं, आगे आने वाले हैं, चीजें लाइंड अप है बढ़िया से। तो लाइक ही लाइक, शेयर शेयर, सब्सक्राइब सब्सक्राइब, साइनिंग ऑफ।